सोलन के कंडाघाट में संदिग्ध परिस्थितियों में पुनीत ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंडाघाट के दीव गांव में 32 वर्षीय पुनीत कुमार का शव घर की धरातल मंजिल में फांसी पर लटका हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पेशे से किसान था व कवारंग पंचायत में चौकीदार का काम करता था। जैसे ही इस बात की खबर परिवार के लोगों को पता चली, उन्होंने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। अधिक जानकारी देते हुए मृतक के परिजन रमेश ठाकुर ने बताया कि वह इस घटना पर बेहद हैरान है। उन्होंने कहा कि पुनीत रोज की तरह परिवार के लोगों से बातचीत कर रात को सोने चला गया था और न उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन उसने किस वजह से आत्महत्या की इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये लड़का पुनीत है, विलेज दिहों, सन ऑफ श्री रवि, एक गांव का बड़ा समृद्ध परिवार, इनका बड़ा अच्छा गांव में व्यवहार है, बच्चा बड़ा अच्छा था ये, लेकिन कारण इसका कुछ भी पता नहीं है जी, क्योंकि बच्चा इसका चरित्र अच्छा था, इसका घर में बिजनेस व्यापार अपना, दूध ये बेचता था, सब्जियां वगैरह लगाते, 15-20 लाख का ये परिवार सीजन हर साल लगाता था, और इसमें कोई किसी के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है कि इसने कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई ऐसी वारदात कोई घटी हो जिसके कारण इसको ये अंजाम देना पड़ा। इसने हैंग किया जी, ये रात को इसने ये सारा परिवार अपने सोने से पहले उसकी वाइफ ने इनको कहा कि भी बच्चों को दूध पिला दिया, इसने गर्म दूध करके अपने बच्चों को दूध पिलाया और ये सोने चला गया। उससे पहले ये अपने भाई के बच्चे के पास जस्ट एक मजाक करने चला गया और आकर के सो गया, लेकिन सुबह जब उठा परिवार या गांव के जो लोग गए थे दूध निकालने, तो वहां एक लेडी ने उनको जब देखा तो वो फिर इस वारदात का उनको पता चला।